Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see JSX in React.js. Believe me guys, JSX बहुत ही ज़्यादा important है and once you master JSX, आपके लिए life बहुत easy हो जाएगी React में काम करने के लिए. Because React is all about your component and component क्या होता है? Component is nothing but a JavaScript function which return JSX. मतलब अगर आपको JSX पता चल गया तो जो भी एक function JSX return कर रहा है वो आपका component कहलाता है and React is all about your component. तो देखो कैसे connected है ये. एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो में मैं एकदम इन डेप्थ आपको JSX के बारे में बताऊंगा कि कैसे बिहाइंड द सीन समझ रहे, क्योंकि जो हमारे ब्राउजर है ऑब्वियसली उनको रिएक्ट नहीं समझता है. तो बिहाइंड द सीन कौन सा कंपाइलर है जो रिएक्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन आपको आपके ब्राउजर पे शो कर रहा है, बेसिकली वेबसाइट का यूजर इंटरफेस, ये सारी चीजें कैसे हो रही होगी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज का वीडियो बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते. बिना किसी देर के गाइस सब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे. और गाइस तो आप देख सकते हो कि आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज JSX. ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते, आप देख सकते हो क्या है ये. ठीक है, सो गाइस क्या होता है ये JSX, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आप देख सकते हो इट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML एंड विद द हेल्प ऑफ JSX नाउ यू कैन राइट HTML इन योर रिएक्ट कोड. और सिंपल भाषा में बोलूं तो अब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी HTML को लिख सकते हो. जी हाँ गाइस, तो पहले हमारा जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता था वो होता था आपका HTML का अलग फाइल रहेगा, CSS का आप एक स्टाइल एलिमेंट के अंदर लिखते थे, या तो एक अलग CSS का फाइल रहता था एंड जावास्क्रिप्ट का एक अलग फाइल रहता था, या तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसको लिखते थे, सब अलग अलग थे. बट नाउ इन रिएक्ट गाइस आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप HTML लिख सकते हो और सभी लोग HTML एंड जावास्क्रिप्ट एक साथ लिख सकते हैं. सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपके JSX को. मैं अभी आपको कोड दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा. एक चीज यहाँ पे जरूर लिखा जो शायद आपको बॉदर कर रहा होगा एंड दैट इज देखो इट अलाउस यू टू राइट HTML एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, वो तो चलो ठीक है, बट एंड प्लेस देम इन द डोम विदाउट एनी क्रिएट एलिमेंट एंड अपेंड चाइल्ड मेथड. याद है जब हमारा जो फर्स्ट वीडियो था, इफ यू रिमेंबर हमारा ये जो फर्स्ट वीडियो था लाइक इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, मैंने कहा था रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव. यहाँ पे आपको बस ये बोलना है रिएक्ट मुझे मेरे इस पर्टिकुलर कोड को इस तरीके से दिखाना है, बाकी कैसे दिखाना है उसके पीछे का क्या क्या हार्डवर्क काम बिहाइंड द सीन जो कुछ है वो आपका कौन करता है, रिएक्ट करता है, राइट. तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है कि आप जो है जावास्क्रिप्ट एंड HTML एक साथ लिखोगे, जो कि आपका JSX है, वो लिखने के बाद अब वो आपका कोड स्क्रीन पे कैसा दिखाना है वो हमारा झंझट नहीं है, वो हमारे टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिएक्ट हमारे लिए बिहाइंड द सीन गाइस उसको क्रिएट एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट की जो एलिमेंट्स उसमें वो कन्वर्ट कर देता है एंड देन वो जो ऑब्जेक्ट से फर्दर जाके डोम में कन्वर्ट होता है एंड देन वो जाके हमारे यूजर इंटरफेस पे आपको दिखाई दे रहा होता है. तो यहाँ पे बस वही बताया गया है कि हमें बस अपना नॉर्मल JSX का कोड लिखना है एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय रिएक्ट ओनली. ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. प्लीज वो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख लीजिए, रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव, आपको पता चल जाएगा. बट आई होप आपको पता चल गया होगा, यू नो मैंने उसमें बताया था आपका इंपेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव में. ऑलराइट, यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो ये जो पर्टिकुलर कोड आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी बता रहा हूँ ये JSX नहीं है. जब हम JSX लिखते हैं बिहाइंड द सीन वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है, बेबल आपका ऐसे वो कन्वर्ट कर देता था एंड फर्दर वो आगे का चीज है. ठीक है, तो ये जो एक पार्ट है एंड देन हियर वी हैव आल्सो वन मोर पार्ट. ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट है एंड देन यहाँ पे एक पार्ट है, आपको डिफरेंसेस दिख रहा है, मैं पूरा डिफरेंस क्लियर करूंगा. बट एक और चीज है यहाँ पे देखो, इट इज अ सिंटैक्टिकल सुगर इंट्रोड्यूस बाय द फेसबुक फॉर राइटिंग रिएक्ट जेस कंपोनेंट. रिएक्ट जेस के कंपोनेंट को लिखने के लिए उन्होंने JSX बनाया, यू नो बिकॉज ऑफ JSX इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट दैट लेट्स यू राइट HTML लाइक मार्कअप इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट फाइल. है ना कितना ज्यादा ऑसम कि अब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी HTML लिख सकते हो, मतलब सब कुछ एक ही जगह पे, HTML भी, CSS भी, JavaScript भी, मतलब मजा आ जाएगा. अभी मैं आपको बताता हूँ. एंड एट द एंड दिस कोड इज कंपाइल्ड टू द इक्विवेलेंट JavaScript कोड, मतलब कुछ वो इस तरीके से कंपाइल होता है. तो आप खुद ही देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो ना ये वाला जो कोड दिख रहा है आप, एक सेकेंड ये वाला जो कोड दिख रहा है गाइस, हमें तो बस यही लिखना है भाई, मुझे मेरे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड चाहिए, यू नो. अब ऑब्वियसली ये तो रिएक्ट है, ये आपका JSX है एंड ब्राउजर को आपको ये रिएक्ट JSX तो समझता नहीं, उसको समझता तो प्योर JavaScript है, तो कुछ तो होगा. तो गाइस बिहाइंड द सीन जो है ना आपका ये यहाँ पे रिएक्ट में वी हैव अ कंपाइलर, फिलहाल तो अभी कंपाइलर आ गया वर्जन 19 में, बट जो भी हो वी हैव अ बेबल ऑल्सो जो कि इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर देता है एंड देन फर्दर ये आपके गाइस वर्चुअल डोम एंड देन आपका एक्चुअल डोम में कन्वर्ट होकर दिखाई दे रहा होता है. तो कुछ बिहाइंड द सीन ऐसा है, जबकि हमें सिर्फ इतना ही लिखना है एब्स्ट्रैक्ट, यू नो. सो यार गाइस इतना ही था JSX, अब मैं आपको सीधा चलता हूं अपने कोड एडिटर पे. ओह माय गॉड, तो सबसे पहले मैं अभी भी अपने app.jsx फाइल पे हूँ एंड प्लीज गाइस वन सेकेंड मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपका अभी तक रिएक्ट प्रॉपर इंस्टॉल हुआ या नहीं. अगर हो गया तो रिएक्ट डन, बस इतना लिख दीजिएगा बस. ठीक है,
एंड अगर नहीं हुआ है तो प्लीज बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम एक साथ मिलकर काम करें, ठीक है। और अगर दोस्तों देखिए app.jsx फाइल के अंदर मैं हूँ एंड ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है यही आपका JSX कोड है, जहां पे कुछ आप इस तरीके से देखो ना, ये const app ये फंक्शन है एक, राइट, इट्स अ जावास्क्रिप्ट, बट ये H1 क्यों लिख दिया भाई आपने, ये HTML क्यों लिखा आपने? तो दिस इज हाउ योर JSX वर्क्स, कि आप HTML लाइक कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो एंड दिस मेक्स योर जावास्क्रिप्ट JSX, राइट। ऑलराइट, तो ये जो कोड है इसको मैं रन करके दिखाता हूं। तो ऑलराइट, एक बार ls करके देख लूं, ठीक है। cd react थापा के अंदर मैं गया, इसको मैं कर देता हूं क्लियर। अब मैं bun burn एंड देन run एंड देन dev लिख सकता हूं, एल्स मैं डायरेक्टली रन को स्किप करके burn एंड देन dev लिख सकता हूं। एंड अगर आपने npm के थ्रू किया है तो मैं फिर से बोल रहा, आप npm run एंड देन dev लिख सकते हो। मैं कुछ भी लिखूं, भले ही मैंने burn के थ्रू किया है, बट उसके बाद भी अगर मैं npm भी लिखूंगा तो भी मेरा ये काम करेगा, क्योंकि हमने node.js को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इट मींस npm आराम से आपका काम करेगा। बट लेट्स गो विद burn एंड देन dev, सिंपल है ना। तो आप देख सकते हो लोकल होस्ट 5173 पे ये मेरा रन कर रहा है, तो लोकल होस्ट 5173 को मैं ओपन करता हूँ एंड या दिस इज आवर फर्स्ट JSX कोड एंड आवर फर्स्ट रिएक्ट वेबसाइट, ठीक है। ऑलराइट, अब ये बिहाइंड द सीन आपका ये चलता ही जाएगा, यू नो हॉट मॉड्यूल जो भी है, अभी तो फास्ट रिफ्रेश वो सब आ चुका है, बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब ये जो कोड है, चलो ये तो हमने लिखा है ना, बट इन रियलिटी ये कैसा दिखाई दे रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक लिखने का तरीका है, इसी को ही दूसरा तरीके से लिखने का मैं आपको बताता हूँ। ये होता है बिहाइंड द सीन रिएक्ट, देखो रिएक्ट लिखती ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो गया है डॉट, वी हैव अ क्रिएट एंड देन एलिमेंट। देखा यहां पे क्या लिखा था कि एंड प्लेस देम इन द डो विदाउट एनी क्रिएट एलिमेंट, विदाउट एनी क्रिएट एलिमेंट, मतलब हमें वो लिखने की नीड नहीं है, बिहाइंड द सीन रिएक्ट ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देता है एंड बराबर हमें जैसा दिखाना है वो दिखा देता है। तो मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में कैसे हो रहा है बिहाइंड, यही सिर्फ इतना कोड ना, सिर्फ ये H1 वाला कोड में लिख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके जब पेस्ट कर देता हूँ एंड ये फंक्शन नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर H1 हेलो थापा टेक्निकल को बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा होता है। देखो रियलिटी में अगर आपको प्योर रिएक्ट के थ्रू लिखना है तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अब मैं अगर हवर करूंगा ना यहाँ पे, तब आप देख सकते हो कि वी नीड टू पास 3 आर्गुमेंट्स, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका टाइप, कौन सा इनपुट टाइप है आपका, H1 है आपका, पैराग्राफ है, ULLI एंकर टैग है, वीडियो टैग है, क्या है तो आपका इनपुट टाइप। देन सेकंड इज योर प्रॉप्स, व्हिच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर प्रॉपर्टी, बट थोड़ा सा टाइम है, हम बाद में देखेंगे प्रॉप्स को। एंड देन एट द एंड में देखो यहाँ पे कॉमा एंड देन वी हैव दिस चिल्ड्रेन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसमें से हमारा इनपुट टाइप क्या है बताइए, ऑब्वियसली इट्स H1, राइट। सो आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना रहेगा H1 एंड देन कॉमा एंड देन फिर से मैं हवर कर रहा हूँ। देखो हमने हमारा टाइप तो लिख दिया, राइट, सो इट्स एन HTML एट्रीब्यूट एंड वी हैव अ HTML एलिमेंट, इस तरीके से आगे टाइप स्क्रिप्ट हो रहा जो भी है। एंड देन उसके बाद अब हमें प्रॉप्स लिखना, हमारे इस केस में आप प्रॉप्स को कहीं ना कहीं आप एक एट्रीब्यूट समझ सकते हो, जहाँ पे जैसे हम एक क्लास लिखते थे ना कुछ भी, या तो मैं इसका वेट लिखता था, याद है, सो दैट इज योर एट्रीब्यूट इन HTML, बट इन रिएक्ट वही एट्रीब्यूट आपका कहलाएगा प्रॉप्स और प्रॉपर्टी, बट अभी हमें उसकी नीड नहीं है। सो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉप्स, सो हम नल लिख देंगे। देखो ना मैंने नल क्यों लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लोग ने भी नल ही बोला होगा कहीं पे, तो भी फिलहाल तो अभी दिखेगा नहीं। अब या हियर वी हैव अ नल, सी आप देख सकते हो उन्होंने खुद यहाँ पे और ऑपरेटर नहीं तो नल लिख दो, क्योंकि अभी फिलहाल नहीं है ना। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है हेलो थापा टेक्निकल, इसको बस गाइस अगेन इट्स अ स्ट्रिंग एंड पास कर देना, दिस इज इट। तो इधर आप ये लिखो या तो आप ये लिखो, फिर भी आपका बराबर हो चलेगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे आप गाइस आपके लिए कर देता हूँ अनकमेंट, एंड ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है इसको हटा के लेट्स ट्राई क्या होता है, इसको मैं रखता हूँ, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ओ माय गॉड, रिफ्रेश करो, हेलो थापा टेक्निकल, देखा। सो गाइस ये है आपका JSX एंड आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन इधर गो विद दिस वे, या तो आप सिंपल एक H1, देखो मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं HTML लिखता हूं तो वो आपका JSX कहलाता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ रिएक्ट, कि आपके कोड को यूं चुटकी में इतना इजी उसने कर दिया, वरना सिर्फ इस H1 को लिखने के लिए मुझे एक अलग सा index.html फाइल बनाना पड़ता, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग एंड तब जाके फंक्शन एंड पता नहीं झंझट बहुत है, बट अभी आप देख रहे हो कितना ईजी हो गया, बट ये जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना,
ये तो चलो आपको पता चल गया बिहाइंड द सीन ऑफ क्रिएट एलिमेंट एंड यहाँ पे जो हमने बात की इसकी क्या था ये। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, याद है आपने वर्चुअल डोम बहुत सुना होगा, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे हाउ रिएक्ट वर्क्स, बट इन रियलिटी देयर इज नो टर्म्स कॉल्ड वर्चुअल डोम, क्योंकि ये जो क्रिएट एलिमेंट है अभी ये जाके कन्वर्ट होगा आपके किस में, रिएक्ट एलिमेंट्स में। ये तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स था, यही पीस ऑफ कोड आपका कन्वर्ट होता है रिएक्ट एलिमेंट्स में, वही रिएक्ट एलिमेंट्स एंड वर्चुअल डोम, मतलब वो एक मिसलीडिंग टर्म है, आप रिएक्ट एलिमेंट्स ही कह लीजिए, जो इसके बाद जो कन्वर्ट होकर रिएक्ट एलिमेंट्स आपका बनेगा मैं अभी दिखाता हूं, वही कंपेयर होता है ओल्ड वर्सेस न्यू में कि कहां अपडेट करना है, एंड उसका जाके एक एक्चुअल डोम बनता है एंड वो हमारे स्क्रीन पे दिख रही होती है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं इसको मैं कॉपी, एक सेकेंड, बैक टू नॉर्मल सब कुछ है ना। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है ध्यान से देखना गाइस, आप लोगों के लिए इसको मैं इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग के अंदर रख देता हूं, इसकी तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, यहां पे हम चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे चलता, ओ माय गॉड, सी वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इट। सो गाइस, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है इसको कहीं ना कहीं आप वर्चुअल डोम कह सकते हो। सो दिस इज योर वर्चुअल डोम, क्यों? क्योंकि यही एक पार्ट है वर्चुअल डोम ट्री का, जहां पे जाके आपका चेक होता है कि क्या है क्या नहीं है, एंड इस बेस पे ही देखो ना, दिस इज योर टाइप H1, हियर वी हैव अ चिल्ड्रेन, देखो एक सेकेंड इसको मैं और वो कर देता हूँ छोटा सा, सो दिस इज योर टाइप H1, हियर वी हैव अ चिल्ड्रेन, ये देखो प्रॉप्स में चिल्ड्रेन आपका हेलो थापा टेक्निकल, एंड हियर वी हैव दिस, देखो रिएक्ट डॉट ट्रांसमिटेड डॉट एलिमेंट। तो ये है गाइस आपका एक रिएक्ट का एलिमेंट की आपका नल है, एंड या सो दिस इज योर रिएक्ट एलिमेंट जो कि आगे जाके गाइस आपका डोम में हेल्प करता है एंड आपका रेंडर होके आता है। तो ये सभी चीजों को आपको समझना है, ये जस्ट बता रहा है आपका एक सिंबल है एलिमेंट्स का, आप क्या यूज करो क्या नहीं यूज करो, तो बिहाइंड द सीन कितना कुछ होता है तब जाके आपका इंटरफेस पे आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, लेकिन रुकिए रुकिए अभी और बाकी है, मैं फिर से एक सिंपल सा बात बता देता हूँ, जब भी आप जेएसएक्स लिखते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिखना ही आपका जेएसएक्स कहलाता है, सिंपल। ये जो पीस ऑफ कोड है रिएक्ट को, आई मीन ब्राउजर को नहीं समझता, इसलिए रिएक्ट जो है कंपाइलर की मदद, बेसिकली बेबल की मदद से ऐसे कन्वर्ट करता है, एंड ये चीजें फर्दर कन्वर्ट होकर आपके ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट एलिमेंट्स में कन्वर्ट होती है, दिस इज, इसको आप वर्चुअल डोम कह सकते हो, एंड यही जो है आपका एक्चुअल डोम में कन्वर्ट होके आपको रेंडर होते हुए दिखाई देता है। सो गाइस कैसा लगा, एकदम इनडेप्थ मजा आ रहा है ना, मैं आपको और दिखाता हूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये क्या चीज है ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ, हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव अ बेबल, आपको मालूम है बेबल क्या है, सो इट्स अ कंपाइलर फॉर ऑब्वियसली रिएक्ट 19 में बाय डिफॉल्ट हमें कंपाइलर मिलने वाला है, एंड इन रिएक्ट ऑल्सो वी हैव अ बेबल एज अ कंपाइलर जो कि आपके रिएक्ट कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो ब्राउजर को समझ सके। ठीक है, ट्राई इट आउट पे आप आइए, लिंक में सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देखना ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है इसको मैं कॉपी करूंगा, तो आप देख सकते हो गाइस पहले से यहाँ पे पीस ऑफ कोड है, ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है ये तो बेसिकली रिएक्ट है आपको मालूम है, इसको कन्वर्ट किया देखो यहाँ पे बेबल ने इनटू जावास्क्रिप्ट, एंड ये ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखाया था, तो अब आपको पता चला जो अभी मैंने करके दिखाया वो हमें नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन वो सारी चीजें हो रही है, एंड बस आपको समझना जरूरी है क्यों कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हो, आपको देखो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नेम विनोद, ये देखो दिस इज योर प्रॉप्स, मैंने यहाँ पे नल लिखा था बट नाउ फाइनली हियर वी हैव अ प्रॉप्स एंड ये एक हेलो वर्ल्ड है, ये सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था गाइस आपका ट्रेडिशनल तरीका, इट्स योर क्लासिक वे, बट हियर वी हैव, देखो रिएक्ट का रन टाइम में आओगे, नाउ वी हैव दिस ऑटोमेटिक, आज के टाइम में जहां पे अगर आप देखोगे तो सेम पीस ऑफ कोड को नाउ कैसे वो लिखते आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली, इम्पोर्ट जेएसएक्स एस -JSX, ठीक है, एंड देन ऐप, अब देखो ये और ज्यादा उन्होंने इजी कर दिया, कोई क्रिएट एलिमेंट लिखने की भी नीड नहीं है, इट जस्ट H1 ऑब्जेक्ट के अंदर ये चिल्ड्रेन हेलो वर्ल्ड, तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू ये आपका काम करता है। नाउ गाइस इट्स टोटली अप टू देम कि वो क्या यूज करे, बट ये आपको समझना जरूरी है कि पहले सिर्फ क्रिएट एलिमेंट होता था बट नाउ वी हैव ऑटोमेटिक तरीका जिसमें अब आपको क्रिएट एलिमेंट की यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न उन्होंने जेएसएक्स को इतना पावरफुल कर दिया कि जेएसएक्स को लोग -JSX इंपोर्ट करके डायरेक्टली H1 एंड देन डायरेक्टली वी हैव एन ऑब्जेक्ट जिसमें नेम इक्वल टू विनोद एंड चिल्ड्रेन इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो ये थे दो तरीके जिसके थ्रू गाइस आपका जो बिहाइंड द सीन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर रहा है एंड आपका वो डोम बना के एंड देन जो चीजें हो रही है। ऑलराइट, चलो ये तो हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, बट थोड़ा और इंटरेस्टिंग देखते हैं आफ्टर आई थिंक वर्जन 18
ये इंपोर्ट रिएक्ट लिखने की भी हमें कोई नीड नहीं है, पहले हमें लिखना पड़ता था बट अब इसकी कोई नीड नहीं है। हम गाइस क्या करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज, हम एक ऑसम नेटफ्लिक्स का कार्ड्स पे काम करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूं ठीक है। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो अब हमें क्रिएट करना है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो गाइस जब भी आप लिखोगे है ना, देखें यहाँ पे H1 लिखता हूं मैं, आई हैव H2 सॉरी, सो वी हैव H2, यहाँ पे वी हैव अ नेम एंड मेरे पास नेम पड़ा हुआ है ये क्वीन ऑफ टीयर्स। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अभी फिलहाल यू नो कौन सा लाइक कोरियन सीरीज देख रहे हो या नेट कोई भी सीरीज देख रहे हो, कौन सा बेस्ट आपको लगा तो मुझे कमेंट कर देना। एक H2 हो गया, जब भी आप कोई भी कार्ड्स देखते हो वी हैव अ पोस्टर, वी हैव अ नेम, रेटिंग, समरी है ना। मेरे पास यहाँ पे है उसका रेटिंग S3, लेट्स गो विद द रेटिंग है ना। जो आप देख रहे हो गाइस इन रिएक्ट हम बस जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML ही लिख रहे हैं, एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखना ही आपका JSX कहलाता है, सिंपल। ये तो मैं HTML ही बोल दो, अब क्या जा रहा है आपका है ना। एंड आई थिंक इट्स 8.2। देन वी हैव अ समरी, उसको मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना चाहूंगा, समरी कॉपी एंड मैंने कर दी पेस्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा मेरे कोड पे, ओ माय गॉड हियर ओवर हियर, अब देखना मुझे एरर आ रहा है, एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग, इट मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग और अ रिएक्ट फ्रेगमेंट और अ JSX फ्रेगमेंट। मैं आपको बाद में बताऊंगा वो, बट फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आप JSX के साथ काम करते हो यू नीड टू हैव वन मेन पेरेंट। आई गेस मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, ऑल राइट या सो वी हैव दिस टू थिंग्स है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। इट्स अ नोट है ना, मैं इसको और बेटर तरीके से प्रेजेंट करूंगा आगे, डोंट वरी। बट ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी, दैट इज इज JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, एक पेरेंट एलिमेंट ही होगा, विच मीन्स इफ यू ट्राई टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स रिएक्ट विल थ्रो एन एरर, एंड उसने थ्रो कर भी दिया, मैंने जानबूझ के आपको दिखाया। एंड सेकंड थिंग्स, HTML जब आप लिख रहे थे HTML तब आप इमेज टैग को एज इट इज लिख सकते हो, बट इन रियलिटी जब आप एक void एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट अगर आप लिखते हो तो ऐसे एलिमेंट्स का दोज आर void एलिमेंट्स, बेसिकली हम इनको void एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं आपको सेल्फ क्लोज करना ही पड़ेगा, ये दो रूल्स है, रट लो जो भी हो अपने दिमाग में बिठा लो ठीक है। तो यहाँ पे जानबूझ के मिस्टेक आ रही, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल गो विथ वन डीप एंड इस डीप को मैं हटा के यहाँ से एट द एंड में मैं रख दूंगा इस तरीके से, एंड यार दिस इज इट। आपने एक चीज नोटिस की क्या, वो बाय डिफॉल्ट दे पुट ये कर्ली आई मीन पैरेंथेसिस, इसको हम पैरेंथेसिस बोलेंगे। तो मेक श्योर कभी भी आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेस यूज नहीं करना है ठीक है, आप कर्ली ब्रेस यूज नहीं कर सकते, देखो आपको ये एरर आएगा ऑलवेज जब भी आप रिटर्न कर रहे हो, यू नीड टू हैव ओनली वन पैरेंट एंड देन अगर मल्टीपल JSX के कोड है, बेसिकली HTML के कोड है, देन आपको ये पैरेंथेसिस यूज करने पड़ेंगे आफ्टर द रिटर्न। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यार बस खत्म मेरा काम। अब देखो क्वीन ऑफ टीयर्स रेटिंग 8.2 समरी ये एंड ओ ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वी हैव अ पब्लिक फोल्डर ओवर हियर है ना। तो मैंने आपसे याद है कहा था कि पब्लिक फोल्डर के अंदर जो है हम हमारे इमेजेस को ऐड करते हैं, तो मैंने एक इमेजेस ऐड कर दी क्वीन ऑफ टीयर्स, ये कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देता है ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर चलूंगा, मुझे क्योंकि डेव एंड देन मुझे इमेज लगने वाला है। तो देखो जब भी आप कोई भी पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेज ऐड करोगे तो गाइस बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आपको उस पर्टिकुलर फाइल का नाम जो है देना है एंड देन खत्म, आपका काम खत्म, बस इतना ही, दिस इज इट। एक अल्टरनेट दे दीजिए तो वही दे दीजिए ठीक है। या अब यहाँ पे एक और एरर आपको आने वाला, देखो इसको मैंने सेल्फ क्लोज किया है, अगर नहीं करूंगा तो मुझे एरर आता, देखो इमेज मुझे आ रहा है ठीक है। अब यहाँ पे आई गेस एक और एरर लोग देने वाला है, एंड दैट इज की एवरी इमेज टैग मस्ट हैव विड्थ एंड हाइट, कुछ इस तरीके से लोग बोलते हैं, बट फॉर सम रीजन इसको हटा के एक बार रिफ्रेश कर दू तो नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं आ रहा, बट अच्छी बात है चलो ठीक है। सो हमें क्या करेंगे, लेट्स गो विथ विड्थ है ना, सिंप याद है ये हम इनलाइन स्टाइल करते थे 100%। हाइट लेट्स गो विथ 40%, लेट्स से मुझे देखने कैसे दिख रहा है ये, ओके वाओ वैसे तो बहुत प्यारा दिख रहा है बट कार्ड वाली फील नहीं आ रही है। तो एक स्क्वायर बनता है यानी लेट्स चेक इट आउट, ओ माय गॉड सी या इट्स लुकिंग बेस्ट, इट्स लुकिंग ऑसम। सो वी हैव वन इमेज, वी हैव वन क्वीन ऑफ टीयर्स नेम रेटिंग एंड देन वी हैव आवर समरी। तो गाइस ये आपका बन गया है एक कार्ड विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट JS। इसको फर्दर हम आगे जब CSS देखेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन एटलीस्ट अब आप में कॉन्फिडेंस आएगा,
अरे यार रिएक्ट तो इजी है सच में, मतलब आगे आएगा एडवांस, बट एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया कि कैसे अब आप रिएक्ट में कुछ भी एचटीएमएल के पेजेस या एक कार्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। वन मोर टाइम, नो मैटर व्हाट, आपको रिटर्न सिर्फ एक ही एलिमेंट कर सकते हो, एक पेरेंट एलिमेंट, एंड देन दूसरी चीज जितने भी वॉइड एलिमेंट्स है, यस, जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं उनको आपको सेल्फ क्लोज करना ही पड़ेगा। ये दो चीज बस आपको ध्यान में रखना है, एंड रेस्ट बाकी बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा वो तो मैंने आपको दिखा दिया, बट उसका आपको इतना चिंता नहीं है। जस्ट कभी एक जनरल नॉलेज के लिए कि वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट कोर्स है तो आपको चीजें पता होनी चाहिए इसलिए, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जेएसएक्स का पूरा लॉजिक पता चल गया होगा, एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, डायनेमिक वैल्यूज, यू नो, फंक्शनल कॉल इन जेएसएक्स, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मजा आएगा। सीएसएस कैसे इंक्लूड करना है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी जितना आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई उतना आपको पता होना जरूरी है। एंड देन जो मैंने दो टिप्स बताई थी रिगार्डिंग जेएसएक्स उसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा, एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।